अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, सबसे पहले हमने 1.25 इंच की दो पट्टियाँ उतार ली हैं, तो आपने 1/2 इंच एक पॉइंट कम आपने एक निशान लगा देने, जहाँ पर भी आपने 1/2 इंच से कम निशान लगा लेना। इसके बराबर इसके सामने आपने 1/2 इंच से एक पॉइंट कम का निशान लगाना है। उसके बाद आपने ये जो लाइन है वो सीधी कर लेनी है पैमाने के साथ, स्केल के साथ। इसी तरह ही दूसरी तरफ से भी। उसके बाद हमने एक मुरब्बा बनाया हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच से 1-2 पॉइंट कम है, तो यहाँ पर आपने रख कर इसको निशान वगैरह लगा लेना है। पट्टी का आपने दरमियान कर लेना है। दरमियान वाला जो हिस्सा है ये आपने निकाल देना है कैंची से। कटिंग करने के बाद आपने ये हिस्सा जो है ये निकाल देना है दरमियान से। ये चीज़ें जो हमने निकाल दी हैं, दरमियान से कोना वगैरह भी निकाल दिया है। उसके बाद हमने इसको प्रेस वगैरह कर देना है। जिस पट्टी के हमने ये दरमियान से पट्टी वगैरह निकाली है, इस पट्टी को आपने प्रेस करना है। दरमियान से हमने ये अब कटिंग कर दी है, कोने वगैरह निकाल दिए हैं कैंची के साथ, तो इसको अब हम इस्त्री की मदद से बुकरम के ऊपर आपने ये कपड़ा जो है ये पलट देना है। ये उल्टी साइड है हमारे पास, सीधी साइड जो है वो नीचे है। ये हमारे पास ब्लैक और वाइट कपड़ा जो है इसको हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमने इसकी कटिंग वगैरह करनी है, तो इसको आपने 2 इंच तक तकरीबन ले लेना है। 2 इंच के आपने निशान वगैरह लगा लेने हैं। उसके बाद आपने एक पट्टी बना लेनी है वाइट और ब्लैक कपड़े की। इसको अब हमने नोकदार काटना है, तो आपने डबियां वगैरह इसकी बना लेनी है। 2 इंच पर आपने इसकी कटिंग करनी है, 2 इंच यहाँ से और 2 इंच इसकी नोक है यहाँ से। ये हमने त्रिशमा का इसकी कटिंग की है। उसके बाद हमने यहाँ से कटाई करनी है बिल्कुल उसके मुताबिक। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, तो अब सब पत्तियाँ जो हैं हम बना लेंगे। ब्लैक जो पीस ऊपर वाला ये ऊपर रखा हुआ है, और ये वाइट हमारे पास पीस है, तो ये हमने इस तरह रख के इसको इस तरह फोल्ड कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। इसके साथ ही हम ब्लैक कपड़ा नीचे लगाएंगे, और ब्लैक को इस तरह रख के इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे ऊपर, और इसके बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। इसी तरह ही हम जो है सब कोने बनाएंगे। जो वाइट इंच का दबा जो हमने सिलाई वगैरह लगाई हैं, वो ना हमने ब्लैक के ऊपर हमने बिठा दिए हैं इस्त्री की मदद से। इसको सीधी तरफ से भी इस्त्री वगैरह आपने लगा लेनी है, पानी वगैरह लगा के। अब हमने जो पट्टी एक बिल्कुल सही रखी हुई थी, जिसको हमने कट वगैरह नहीं लगाए, उसको हम प्रेस करेंगे इसके ऊपर। इसको अब हमने प्रेस वगैरह कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने ये जो वाफर कपड़ा है, अजाफी कपड़ा है, उतार लेना है। ऊपर वाली पट्टी और नीचे वाली पट्टी हमने बराबर करके ये कच्ची सिलाई लगा ली है इस कोने पर और इस कोने पर।
वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।